और सबसे पहले हम आपको मतदान प्रतिशत बताने जा रहे हैं। यूपी में अब तक 39.68% मतदान हुआ है, तो अभी तक का मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। जहां पर लखीमपुर खीरी की बात करें, सबसे ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है 43.31%, कानपुर में सबसे कम 41.42% मतदान और शाहजहांपुर में 36.34% मतदान हुआ है। धौरहरा की बात करें, 43.25% मतदान हुआ, सीतापुर में 42.66% मतदान, हरदोई में 48.18% मतदान और मिश्रिक में 47.9% मतदान हुआ है। बात उन्नाव की करें तो 38.69% मतदान, फर्रुखाबाद में 40.39% मतदान और इटावा में 37.68% मतदान हुआ है। तो ये मतदान प्रतिशत हमने आपको बताया। बात बहराइच की करें, 40.68% मतदान यहां पर हुआ है। कुल मिलाकर 13 सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है और वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया, 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो हमने आपको बताया। रायबरेली में जनसभा के दौरान एक शख्स ने जब राहुल गांधी से शादी को लेकर सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही शादी कर लेंगे। तो जनसभा के दौरान कार्यकर्ता ने राहुल गांधी से शादी को लेकर सवाल पूछा और राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही शादी कर लेंगे। रायबरेली की रैली से खबर निकलकर सामने आई। पहले उसका जवाब दो, क्या जवाब है उसका? सवाल क्या है भाई, क्या सवाल है, क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। चलिए सीधा रुख करते हैं लखीमपुर खीरी से। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से लाइव। सबसे पहले रुख करते हैं अमित गंजू का, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, अभी तक मतदान प्रतिशत क्या कहता है, क्योंकि 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज अपने दर्शकों को हमने बताया और इस बार अभी तक के जो 3 चरण हुए हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है, इस बार का मतदान प्रतिशत क्या कहता है? देखिए शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए तापमान बढ़ता जा रहा है, कानपुर का तापमान 40 को क्रॉस कर चुका है, मगर मतदाताओं को जोश कहीं से कम नहीं हो रहा। हालांकि कई ऐसी पोलिंग सेंटर्स हैं जहां जो वोट परसेंटेज कम है, मगर जिस जगह हम एक और जगह खड़े, मैं अपने कैमरामैन से कहूं पीछे का दृश्य दिखाई और अभी भी इस पोलिंग सेंटर पर 50 को क्रॉस कर चुका है और ये दो अगल बगल दोनों एक साथ है, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन और चर्म विभाग दोनों में। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि मतदाता आई से नजर आई है। सर, वोट कास्ट किया कि नहीं? जी कर दिया मैंने। क्या क्या, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, पहले तो बताइए सर आप। यहाँ के सभी लोकल मुद्दे हैं। अच्छा। जैसे कि हमारा रोड का काम नहीं हो पाता है। अच्छा। ठीक है, लाइट। युवाओं के क्या मुद्दे, चलिए आपसे जानना, युवाओं के क्या मुद्दे? युवाओं के मुद्दे पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं? अच्छा, सब दिखाई, पर सीआई दिखाई वोट कास्ट किया कि नहीं? अरे सीआई दिखा दीजिए। देखिए ये मैं शीनम आपको दिखाना चाहूंगा, गर्मी बहुत है और अब फुटका फुटके 11 बजे तक लोगों ने बहुत वोट कास्ट किया। अभी भी अगर इस सेंटर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसमें लगभग एक सेंटर में 5660 और दूसरे में 4010 दोनों के मिला के यहाँ वोट होंगे। और ऐसे में देखिए कैमरे की नजर में देखे जा सकते हैं, सब लोग वोट कास्ट करके, मैं अपने कैमरा में देखा, आप लोग इस तरफ आइए जो वोट डाल के आए, इस तरफ आइए, ये देखिए, देखे जा सकते हैं। गर्मी की चिंता नहीं की इन लोगों ने, वोट डाला ही दिखाई, अपनी सियाही दिखाई, सब लोग सब सियाही दिखाई, आप लोग वोट कास्ट करके आए कि नहीं? देखिए चेहरे की हंसी और खुशी भी कह रही है, वोट डाला कि नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है, आप वोट डाल के आए कि नहीं? सब घर में डालें कि आप अकेले डाल के? देखिए शीनम, सबके चेहरे की खुशी है क्योंकि 5 साल तक इंतजार किया जाता है, धूप की चिंता लोगों ने की। हालांकि कानपुर की परसेंटेज 41 पॉइंट कुछ है, अगर हम 2019 की बात करें उससे कंपेरेटिवली प्लस माइनस एज इट इज है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कानपुर में 52-53% था और अब की अगर बात किया 41% क्रॉस हो चुका है जो, और अभी और बढ़ेगा अमित, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि होता ये है कि दोपहर के वक्त थोड़ा सा कम हो जाता है मतदान प्रतिशत और बाद में जब हम देखते हैं तो 4 बजे के बाद एक बार फिर से मतदान प्रतिशत बढ़ना शुरू हो जाता है। चलिए हमारे दूसरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लखीमपुर खीरी से उमेश श्रीवास्तव, उनके पास चलते हैं। उमेश, वहां पर कितना मतदान प्रतिशत अब तक का हुआ है और साथ ही गर्मी कैसी है ये भी बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार गर्मी पर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, यानी कि मतदान करने के लिए लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं।
हैं, साथ ही मुद्दे क्या हैं जिन्हें ध्यान में रखकर चुनावी यहाँ पर वोटर्स जो है चुनाव मैदान में निकलकर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। यह देखिए लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर पोलिंग चल रही है, गर्मी तो प्रचंड पड़ ही रही है और पोलिंग परसेंटेज पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक नियर अबाउट 54% तक की पोलिंग हो गई है। अगर पिछली बार के आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र में नियर अबाउट 64% के आसपास की पोलिंग हुई थी और इस बार अब तक 3 बजे तक 53% की पोलिंग हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर पोलिंग परसेंटेज ऐसा माना जा रहा है कि मोर देन 60% हो सकता है और हो सकता है कि नियर अबाउट 62-63% के आसपास की पोलिंग यहां पर हो। हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग किया है। मैडम आप क्या कहेंगी, वोट कास्ट करके आप आई हैं, क्या मुद्दे, क्या इश्यूज और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या है? मुद्दा तो वही है जो बेसिक अभी तक जो हमारी पूरी करते आए हैं अभी के नेशनल लेवल के नेता, लोकल का तो मैं नहीं कहूँगी, लोकल का मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। तो उसी बेसिस पे मैंने अपना वोट कास्ट किया है आज। और नेशनल इश्यूज को लेकर के, राष्ट्र के इश्यूज को लेकर के आपने पोलिंग की है, आप क्या कहेंगे? आप हमको लगता है मंदिर होकर के आए और इसके बाद पोलिंग करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज ये कितना सौभाग्यशाली दिन है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और जो लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हैं उनको अवश्य निकलना चाहिए और अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग करना चाहिए। ईश्वर को साक्षी मान के हमें इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये किसी सांसद का चुनाव नहीं, एक राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव है। जो भी व्यक्ति हमारे भारत वर्ष को अखंड भारत बनाने में सक्षम हो और एक महान राष्ट्राध्यक्ष बनके भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम हो, हमें उसे वोट करना चाहिए और हमने उसी को वोट किया है। और अच्छी आपने बात कही कि ईश्वर को साक्षी मानकर के वोट करना चाहिए। हमेशा आप बातचीत करते रहिए, मतदाताओं की प्रतिक्रिया लेते रहिए और क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया लेना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो क्या सोचते हैं, किन किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप बने रहिएगा तमाम सहयोगी हमारे साथ, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अभी चौथे चरण के मतदान में सियासत के किन धुरंधरों ने वोट डाल दिया है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। जिन्होंने वोट डाला है, वेंकैया नायडू वोट डालने के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीर, अर्जुन मुंडा, मोहन यादव सीएम को आप देख सकते हैं, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला उनका भी आज वोट रहा, पवन कल्याण, असदुद्दीन ओवैसी को भी आप देख रहे हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है, माधवी लता भी वोट डालने के लिए पहुंची और ये देखिए ये उत्तर प्रदेश के भी आप देख लीजिए तमाम दिग्गज जो वोट डालने के लिए पहुंचे, जितिन प्रसाद, सतीश महाना, साक्षी महाराज, सुब्रत पाठक भी वोट डालने पहुंचे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आप देखिए, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, सुरेश राही जिन्होंने वोट डाला, प्रतिभा शुक्ला ने भी वोट डाला, राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मथानी भी और रजनी तिवारी जो कि राज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से भी वोट कास्ट कर दिया गया। और जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे तो साथ ही साथ उन्होंने ये अपील की कि आप भी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलिए और वोट कास्ट जरूर करें। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से उम्मीदवार अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी वोट डाला, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आपने देखा वो भी वोट कास्ट करने पहुंचे, गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से वो भी बेगूसराय में वोट डालते दिखाई दिए, महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद उनकी तरफ से भी वोट यहां पर डाला गया और अधीर रंजन चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा जब वोट डालने पहुंचे वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर, ललन सिंह ने भी वोट डाला बिहार के मुंगेर में और झारखंड के खूंटी में अर्जुन मुंडा वोट डालते हुए दिखाई दिए। और चलिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से और सीतापुर से संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरदोई से आशीष मिश्रा भी है हमारे साथ, संदीप के पास चलते हैं। संदीप, सीतापुर में कितना है अभी तक का मतदान प्रतिशत और क्या लग रहा है कि अभी और कितना वोटर्स पहुंच सकते हैं, मौसम क्या कहता है, तमाम चीजें बताइएगा। संदीप आपको आवाज मिल रही है तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पाई है, आशीष मिश्रा के पास चलते हैं, हरदोई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, अभी तक का मतदान प्रतिशत क्या कहता है और साथ ही क्या मुद्दे लोगों के जहन में है जिन्हें देखकर वोट डाला जा रहा है। देवेंद्र और लोकेश है हमारे सहयोगी,
जो जुड़े हुए हमारे साथ। देवेंद्र के पास मैं चलती हूँ। देवेंद्र, कौन से पोलिंग बूथ पर हैं आप, जरा दिखाइए वहाँ की तस्वीर, और सुबह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जरा एक्सपीरियंस भी बताइएगा कि आज का मतदान प्रतिशत क्या कहता है। बिल्कुल, हम इटावा के राजकीय विद्यालय पर हैं जहां पर मतदान हो रहा है, और जो लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भीड़ का एक सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन चूंकि यहां पर दिन में जो गर्मी है, टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री लगभग टेम्परेचर है, उसमें जो है ज़्यादा भीड़ एक साथ तो नहीं आ पाई, लाइनें नहीं लगी, लेकिन जो आने का जाने का सिलसिला लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइन नहीं टूट रही है, लेकिन उस तरीके की लाइनें देखने को नहीं मिल रही हैं। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार यहाँ परसेंटेज ज़्यादा थी इतने 3 बजे तक, लेकिन यहाँ पे इस समय परसेंटेज इस बार कम की उम्मीद जताई जा रही है। साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गर्मी का असर है और कई और चीज़ों का है, जो वोटर निकल नहीं रहे हैं, जो अगर पिछले चरणों में 3 चरणों में जो वोटर परसेंटेज कम रहा, उसी तरह यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि वोटर परसेंटेज कम रहेगा। लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और उसके बाद में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है उनकी आने जाने का सिलसिला है वो बहुत धीमे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज पर असर पड़ेगा। और चूंकि लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है तो गर्मी भी है, तो कह सकते हैं यहाँ पर भी मतदान प्रतिशत काफी कम नजर आ रहा है, और पहले के 3 चरणों में भी ये चीज देखी गई है, जिसे लेकर अब चर्चाएं भी काफी हो रही हैं। कन्नौज लिए चलते हैं अब आपको, लोकेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं, सुब्रत पाठक उनके सामने हैं। लोकेश, क्या कह रही है वहां की जनता, किस तरह का मूड जनता का नजर आ रहा है, क्या मुद्दे हैं जहन में जिन्हें लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं? लोकेश, देखिए आपको बता दें कि भाजपा जो है, भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा विकास है और साथ ही मोदी की गारंटी योजना है। और बात की जाए सपा की, तो सपा जो कि कन्नौज में अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव यहाँ के जो विकास उनके द्वारा कराया गया था और जो विकास रुक है उनको लेकर दोनों पार्टियां आज मैदान में है और इन मुद्दों को लेकर है। साथ ही बात की जाए अगर वोटिंग परसेंटेज की, तो यहाँ अभी पूरे लोकसभा का 51% से ज्यादा वोट प्रतिशत हो गया है, 51% से ज्यादा वोट पड़ गया है। और बात की जाए कि कहीं ना कहीं आपको छुटपुट घटनाएं भी जिले में सुनने मारी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे घटनाएं भी हुई है। सपा के द्वारा भी आरोप लगाए गए, भाजपा के द्वारा भी आरोप लगाए गए कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर। साथ ही आपको बता दें अखिलेश यादव जो कि पास में ही सफाई में थे और उनको घटनाओं के बाद आना पड़ा, और उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को वोट करने से रोका जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, परेशान किया जा रहा था। तो इन चीजों को लेकर जैसे गर्मी बढ़ती गई, और साथ ही बात की जाए वोटरों की, तो वोटरों की जो 50% 3 बजे तक पार हो चुका, तो आंकड़ा लगभग पिछली बार से लग रहा है कि ये आंकड़ा पिछली बार से जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा। ठीक है, अमित गंजू के पास चलते हैं एक बार फिर से, कानपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। अमित, वहां पर आपने बताया कि काफी उत्साहित एक मतदाता नजर आ रहा है, कई जगहों पर हमने देखा वोटिंग परसेंटेज गिरा भी है और उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स माने जा रहे हैं, लेकिन कानपुर में अगर मतदाता उत्साहित है तो उसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए शिनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तापमान भले ही बड़ा हो मगर लोगों ने एक फॉर्मूला यहाँ इस गर्मी में बड़ा एप्लीकेबल है। जैसा कि एक मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे इटावा से कि लंबी कतारें नहीं लगी, कानपुर में लंबी कतारें कई पोलिंग सेंटर्स पर देखने को मिली। यहाँ एक सिद्धांत सुबह चला, CCVG, दैट इज कम कास्ट योर वोट एंड गो, ये कंसेप्ट लोगों ने जहन में रखा। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए अभी भी अब धूप थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, देखिए लू की तपेड़े हैं, मगर उसके बावजूद भी कहीं से वोटरों का जोश कम नहीं हो रहा, लोग वोट कास्ट करके आ रहे हैं, अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सर वोट डाला कि नहीं, सीआई दिखा दीजिए सर आप, प्लीज मैम आप भी दिखाइए प्लीज, एक सेकंड मैम। देखिए ये जागरूक वोटर हैं जो अपना अधिकार समझते हैं, वोट कास्ट करके आए, इन्होंने गर्मी की चिंता नहीं की, लू की चिंता नहीं की। आप फैमिली के साथ आई मैम? यस। आप सब लोगों ने वोट कास्ट किया घर में मैम? जितने भी मैम आपके यहाँ सर, आप ही इधर आइए प्लीज सर। सर वोट कर डाला कि नहीं? जी डाल दिया सर। सर क्या कानपुर के मुख्य मुद्दा क्या है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी सर। बेरोजगारी, चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही, देखिए धूप लू गर्मी के चपेटों को छोड़ के आइए, मैं अपने कैमरे से थोड़ा और आ गया, ये देखिए दोनों सेंटर्स पर जैसे कि मैंने आपसे कहा लगभग 10,000 का यहाँ बूथ है, और दोनों जगह मिला के लोग अपने वोट कास्ट करने आ रहे, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उतनी परसेंटेज अच्छी नहीं हुई है। मैम से, मैम वोट डाला कि नहीं? आपका वोट नहीं है, चलिए फिर कोई बात ही नहीं, वोट नहीं है तो आपको पहले देखना चाहिए। ऐसे में वोट डाला कि नहीं भैया?
दिखाइए सियाही दिखाइए, हंस के बताइए वोट डाला, वोट डाला हंस के बताइए भले वोट डाला, और सबको वोट डालना चाहिए, सबको वोट डालना चाहिए, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है वोट डालने का। मेरे घर अकेले क्यों आए, घर वाले सब है, अंदर डाल है पक्का। सर वोट डाला आपने सर, और क्या सियाही दिखा दे सर आप प्लीज जी, सियाही दिखा दे वोट कास्ट, सियाही दिखाओ, आपने सियाही नहीं लगाई, नहीं नहीं वो हमने निकाला, आपने वोट फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है, फर्स्ट टाइम है, तो आपके लिए तो भैया धन्यवाद के पात्र हैं बड़ा। आप कैसा आप फीलिंग आ रहा है मन में कि फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया? अच्छा लग रहा है, मोदी जी को वोट दे गए। अरे ये तो हमने पूछा ही नहीं आपने किसको देने, चलिए थैंक यू। लेकिन आप ये युवा वोटर हैं, इन्होंने वोट कास्ट करके आए और ऐसे में जो वोट परसेंटेज है हालांकि भले ही अभी कम है, लेकिन अब जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा है, सूरज ढलता जा रहा है और अब 6 बजे का समय ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में न्यूज 18 फिर एक बार अपील कर रहा है कि घरों से निकले और अपने वोट को कास्ट करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इस बार अगर आप चूके तो आपको 5 साल तक फिर शांत होकर बैठना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो वोट कास्ट करेगा वही तस्वीर बदल सकता है। और ऐसे में फिर अपील है कि आप निकल के आए सेंटर्स तक 6 बजे तक, जो यहां पहुंच सकते हैं सेंटर्स तक उनकी एक बार गेट में एंट्री होगी, चाहे वो 6:15 हो 6:30 हो, वो अपने वोट कर, मैम अपने वोट डाल दिया, आपकी सियाही दिखा दीजिए जरा प्लीज, ऐसे देखो मैम नहीं दिखाई, डाल दिया वोट जी ओके। आप अकेले आए कि कुछ और फैमिली के लोग भी आए? फैमिली के लोग भी हम उनके साथ आए हुए। चलिए मैं देख सकते हैं शीनम, वोट हमारा अधिकार है, ये हर व्यक्ति के जहन में रहती है बात, हम सेंटर्स में बिल्कुल आदमी बच्चों के साथ फैमिली के साथ और अपने इस अधिकार की इम्पोर्टेंस को समझते हुए तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे और वोट कास्ट कर रहे हैं इतनी गर्मी होने के बावजूद। लखीमपुर खीरी अब आपको लिए चलते हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश यहाँ पर कौन कौन से चुनावी मुद्दे इस दौरान हावी दिखाई दिए, लोगों के जहन में कौन कौन से मुद्दे रहे जिन्हें लेकर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या है एक मतदाता के मन में, सुबह से आप उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे होंगे? जी हम सीधा मतदाताओं से बात कर लेते हैं। लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, जरा अपनी नीली स्याही की ताकत भी दिखा दीजिए आप सभी लोग, आप देखिए कि किस तरह से नीली स्याही लगी हुई है और नीली स्याही की ताकत दिखाते हुए ये मतदाता नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहे, क्या इश्यूज रहे और किन मुद्दों के आधार पर आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग किया? मेन तो राम मंदिर का मुद्दा था, यही जो है इसी जो है हमने वोट उनको जो है किया है। अच्छा राम मंदिर को लेकर के आपने वोट दिया, आप क्या कहेंगे, आप वोट कास्ट करके आई हैं, नीली स्याही भी अपनी दिखा दीजिए, नीली स्याही देखिए किस तरह से सभी में बेहद उत्साह दिख रहा है, खासतौर से महिलाओं में गजब का जोश दिख रहा है। मैडम आप क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है वोट कास्ट करने के बाद, कितनी खुशी महसूस हो रही है कि सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग हमने कर दिया और देश की सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया? बहुत खुशी हो रही जी। आप क्या कहेंगे मैडम, वोट कास्ट करके आई हैं, जबरदस्त टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी आज मिश्र टेनी और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सीतापुर में लोकतंत्र की एक सुनहरी तस्वीर सामने आई है, ग्रामीण नाव पर सवार होकर नदी पार करके मतदान करने के लिए जा रहा है और इस मतदान को लेकर ग्रामीणों में भी काफी खुशी दिखाई दी, मतदान केंद्र में नदी पार होने से आक्रोश भी दिखाई दिया और ग्रामीण पिछले 30 सालों से नदी पार करके ही नाव से मतदान करने जाते रहे हैं। कीलहरपुर विकासखंड के बसंतापुर में पड़ने वाले बमहेला गांव के मतदाता नाव पर सवार होकर अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। गांव में कुल 805 मतदाता हैं और इसके लिए मीतमऊ गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में पोलिंग बूथ बनाया गया है, तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, जागरूक कर देने वाली ये तस्वीर, बमहेला का ये गांव जहां पर नाव में सवार होकर वोटिंग के लिए जाते हुए लोगों को आप देख सकते हैं।